पर उस जगह की ऊर्जा कैसी है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले कि आप वहां रहें, कोई भी ऐसे घर में कभी नहीं सोता था जिसे पवित्र न किया गया हो। भारत में आमतौर पर दो तरह के गृह प्रवेश की रस्में की जाती हैं। जब एक लड़की की शादी होती है तब वह गृह प्रवेश करती है, यानी वो अपने पति के घर में प्रवेश करती है। ये एक बड़ी चीज है और उन्होंने इसे एक बहुत पवित्र प्रक्रिया बनाया था। ये गृह प्रवेश है, ये एक पुराना घर है पर वो प्रवेश कर रही है। दूसरी तरह का गृह प्रवेश तब होता है जब आपने नया घर बनाया हो और आपका परिवार उस घर में रहना शुरू करना चाहता है। तो आप चाहते हैं कि घर में आपके प्रवेश करने से पहले वो सही स्थिति में हो। घर का डिजाइन, घर की सुंदरता, किस तरह का पेंट हो, किस तरह का ये हो वो हो, ये सब अलग चीजें हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, पर उस जगह की ऊर्जा कैसी है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले कि आप वहां रहें, कोई भी ऐसे घर में कभी नहीं सोता था जिसे पवित्र न किया गया हो। तो ये स्थान की प्राण प्रतिष्ठा करने का एक छोटा रूप है। घर में रहने से पहले घर को, उस स्थान को प्राण प्रतिष्ठा द्वारा पवित्र किया जाना चाहिए, वरना लोग वहां जाकर नहीं रहेंगे। ये सभी चीजें जो की जाती थीं, वो मुख्य रूप से जीवन ऊर्जा का एक उन्नत रूप बनाने के लिए की जाती थीं, ताकि वहां रहने वाले लोग स्वाभाविक रूप से खुशहाली की ओर बढ़ें। और ये समझ कि किसी भी इंसान को अप्रतिष्ठित स्थान में नहीं रहना चाहिए एक ऐसी चीज है जो इस संस्कृति में गहरी बैठी हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है मानो आप धरती में पौधा लगाते हैं और अगर उसकी जड़ें अच्छी उपजाऊ मिट्टी में होंगी तभी फूल खिलेंगे, फल लगेंगे। जिस मिट्टी में ये जड़ें हैं अगर वो पर्याप्त समृद्ध नहीं है, जीवन को कायम करने के लिए पर्याप्त उन्नत नहीं है, तो फूल और फल नहीं आएंगे। अगर वो आते भी हैं तो बहुत कम होंगे। It will never be a full blown. कभी भरपूर फूल नहीं आएंगे, पौधा कभी भरपूर फल नहीं देगा। तो जीवन के इन पहलुओं पर हमने हमेशा अत्यधिक ध्यान, बहुत महत्व दिया। आप क्या खाते हैं ये बस उसके बारे में नहीं है, आप किस तरह का काम करते हैं ये बस उसके बारे में नहीं है, आप किस तरह के स्थान में रहते हैं, पूर्व में ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोग जो भी सबसे अच्छा तरीका जानते थे उसके मुताबिक उन्होंने हमेशा अपने घरों को प्रतिष्ठित किया और उसके बाद ही उसमें रहने गए। अगर राजा समझदार और दयालु थे तो वे पूरे शहर को प्राण प्रतिष्ठित कर देते थे, वे शहर में तमामों स्थान बना देते थे ताकि पूरा शहर प्राण प्रतिष्ठित हो जाए। वे चाहते थे कि हर कोई प्राण प्रतिष्ठित स्थान में रहे, चाहे आप सड़क पर घूमें या आप धंधा करें या आप उस शहर में रहते हैं, तो हर किसी को एक प्राण प्रतिष्ठित स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्नत इंसानों की पीढ़ियां बनाना चाहते हैं तो आपको इस किस्म का स्थान चाहिए, वरना बस संयोग से या व्यक्तिगत प्रेरणा से ही कोई कुछ बन सकता है। आप शानदार लोगों की पूरी पीढ़ी तैयार नहीं करेंगे। ऐसा सौभाग्य लगभग हर परिवार के पास होता था, क्योंकि घर में रहने से पहले वे उससे प्राण प्रतिष्ठित करते थे। समय समय पर वे घर को उन्नत बनाने के लिए कुछ करते थे। ये लगभग हर घर में होता था। हर घर में साल में कम से कम एक बार जरूरी रस्में और प्रक्रियाएं संचालित की जाती थीं, ताकि घर का वातावरण उन्नत हो सके। कम से कम जो चीजें शरीर से बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं, जैसे उनके भीतरी कपड़े और वैसी चीजें जला देनी चाहिए, उन्हें जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि वरना वो जीव आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा, उसमें ये समझने का विवेक नहीं होगा कि उसे यहां होना चाहिए या वहां होना चाहिए, वो तय नहीं कर पाता, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती क्योंकि विवेक नहीं होता। शरीर छूटने के बाद प्राणी चीजों में फर्क नहीं कर पाता, तो निर्णय नहीं होता, बस प्रवृत्ति होती है। यहां बहुत सी चीजें हैं जो शरीर की हैं, वो उनके पास रहेगा, खासकर पहले कुछ दिनों में। तो अगर
घर में बहुत सारे इस्तेमाल किए गए कपड़े हैं जो कि पश्चिमी दुनिया में एक समस्या है, क्योंकि कपड़े इस तरह के हैं और समाज के तौर तरीके ऐसे हैं कि हो सकता है कोई 6 महीने वही जैकेट बिना धोए पहनता रहे। हाँ, आप उसका इस्तेमाल करते हैं और वहीं लटका देते हैं क्योंकि वहां ठंड है और शायद आपको इतना पसीना नहीं आता, इस्तेमाल करके लटका देते हैं। भारत में ऐसा संभव नहीं। अगर किसी चीज का इस्तेमाल होता है तो उसे धोया जाता है। कपड़ों की प्रकृति, वातावरण और सामाजिक तौर तरीके ऐसे हैं, पर यह बदल रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग चीन में बने कपड़े पहन रहे हैं न कि भारत में बने कपड़े। तो वे ऐसे कपड़ों का उपयोग कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उनका इस्तेमाल करके उन्हें लटका देते हैं न कि धोते हैं। इन बातों का ध्यान रखकर हर पहलू को संभाला गया था, पर हम इसे बड़े पैमाने पर खो रहे हैं। इन कपड़ों का बार बार इस्तेमाल करके लटका दिया जाता है तो आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे आज कुत्ते मौजूद हैं। अगर आप एक पुलिस का कुत्ता लाएं और यहां 1,000 जैकेट हों और आप उसे कहें कि जिम की जैकेट बताओ तो वो बता देगा। हाँ, गॉड नहीं, बस डॉग। तो जाहिर है आप वहां उस जैकेट में कई तरह से मौजूद हैं, है ना, जिसे कुत्ता भी देख सकता है। तो जब किसी व्यक्ति के जाने के बाद भी उसका शरीर कई रूपों में वहीं होता है तो कई तरह की ताकतें वहां रहने लगती हैं। न केवल उस व्यक्ति की ऊर्जाएं वहां होती हैं बल्कि दूसरी कई प्रकार की शक्तियां भी। आपका जैकेट एक तरह से खाली शरीर है और शरीर को खाली छोड़ना ठीक नहीं है। तो या तो इसे तुरंत धो दीजिए। भारत में सभी महंगे कपड़ों को धो दिया जाता है। पहले 10 या 11 दिनों में सभी कपड़ों को धोकर अलग अलग जगह बांट दिया जाता है, न कि एक ही जगह। सारे कपड़े एक ही परिवार को नहीं दिए जाते। आप ये पक्का करते हैं कि जैकेट यहां जाए, पैंट वहां जाए, वो वहां और ये वहां जाए, ताकि सब कुछ इतना फैल जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण उपस्थिति न हो। या फिर शरीर के साथ जो भी कपड़ा गहरा जुड़ा था उसे जला दें। इनमें से एक काम जरूर करना चाहिए, या तो आपको उन्हें 50 राज्यों में देना चाहिए ताकि बूढ़ा व्यक्ति भ्रमित न रहे कि कहां जाना है, या आपको उन्हें जला देना चाहिए।